नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया, सभी ऑनलाइन आए। पार्वती की नमस्कार, एक बार सभी को ग्रुप में शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई, ताकि सभी ऑनलाइन आ सके। एक बार शेयर कर दें ताकि आगे की तरफ अपन जियोग्राफी के अंदर। जेके चौधरी नमस्कार, योगिता बगड़िया हेलो। अब एक बार शेयर कर दें सभी को ये बता दें कि क्लास शुरू हो गई है, ताकि अपन जो है जियोग्राफी में आगे की तरफ बढ़े। अपन ने जो है अक्षांश कल पढ़ी थी, आज देशांतर के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि देशांतर क्या होती है। एक बार शेयर कर दें सभी को, गुड इवनिंग। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। देशांतर, अपन ने अक्षांश रेखाओं को पढ़ लिया, अब अपन इसको पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं कि देशांतर रेखाओं को अपन कहां से खींचते हैं और कैसे खींचते हैं। देशांतर, यह आपका जो है उत्तरी ध्रुव है, जो मैंने कल आपको बताया था। ये आपका जो है दक्षिण ध्रुव है, और कल मैंने आपको एक अक्षांश रेखा बताई थी जो इस भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं, अर्थात पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसको अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसके अन्य नाम भी है। अब देश अपन ने इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं के समानांतर जो है वो सारी अक्षांश रेखाएं खींची थी, टोटल 180 रेखाएं थी। लेकिन आज अपन जो बात कर रहे हैं वो देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो देशांतर रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाएंगी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली अर्ध गोलाकार रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो एक पॉइंट आया यहां पर, अर्ध गोलाकार और गोलाकार। देखिए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ये डिफरेंस भी है अक्षांश और देशांतर में, ये डिफरेंस भी आप देख लो। अगर आप अक्षांश रेखाओं को खींचोगे तो पूरी आपको ऐसे गोल वृत्त में खींचनी पड़ेगी, ऐसे एकदम गोल वृत्त के अंदर खींची जाती है। अर्थात अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्ण वृत्त बनाती है। क्या बनाती है? पूर्ण वृत्त बनाती है। जबकि देशांतर रेखाओं की जब भी अपने को गणना होती है, तो अपन जो है पूरे यामोत्तर की गणना नहीं करते। जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक यामोत्तर है, क्योंकि ये गोलाकार चीज है, अपन 3D इसको देख नहीं सकते। आधा यामोत्तर जो है इस बोर्ड के पीछे है। तो इसके अंदर जो रेखाएं खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं जो भी खींची जाती हैं, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर अर्ध गोलाकार होती हैं, अर्थात एक यामोत्तर में खींची जाती है। और दूसरे यामोत्तर में इसके समांतर जो रेखा खींची जाती है वो दूसरी रेखा होती है। इसलिए देखो, संख्या भी इनकी दुगुनी हो जाती है। अपन सबसे पहले अक्षांश में क्या कर रहे थे? अक्षांश में जो एक रेखा अपन खींच रहे थे वो पूरी गोलाकार रेखा होती थी, लेकिन देशांतर के अंदर उस पूरे गोले को अपन दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। आधे भाग को अपन एक यामोत्तर में मान रहे हैं और दूसरे भाग को अपन दूसरे यामोत्तर में मान रहे हैं। अर्थात अक्षांश रेखा जहां एक होती थी, और वही रेखा अगर देशांतर में खींचो तो दो रेखा हो जाएंगी। तो अपनी अक्षांश रेखाओं की संख्या अपन ने कल देखी थी 180 थी, तो इसकी दुगुनी जो है आपकी 360 रेखाएं या 360 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी? देशांतर हो जाएंगी। एक बार दोबारा समझना क्यों ये डबल हो गई, क्योंकि अगर आप अक्षांश रेखाओं को खींचोगे, मान लो कि ये गेंद है, तो गेंद में ये रेखा यहां से शुरू होकर पूरा वृत्त बनाकर वापिस यहां पर आ जाएगी। अर्थात अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूर्ण वृत्त बनाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवृत्त या अर्ध गोलाकार होती हैं। अर्धवृत्त या अर्ध गोलाकार जो है रेखाएं होती हैं। अर्थात पूरा वृत्त जो है वो दो भागों में बट गया।
अर्थात पूरे वृत्त में दो देशांतर रेखाएं बन गई। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, ये पूरा वृत्त बनाकर 180 है। अगर इसको आधे आधे वृत्त में बांटते जाएं तो देशांतर रेखाओं की संख्या डबल हो जाती है, तो देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 360। तो आपको याद रखना है कि 360 डिग्री जो है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, आपसे कोई पूछ ले देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपसे कोई पूछ ले तो आपको आंसर देना है 360 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या आपसे कोई पूछ ले तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो 180 होती है। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में एक डिफरेंस है, अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्ण वृत्त में बनाई जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो है अर्धवृत्त या अर्ध गोलाकार बनाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बार शेयर कर दो बच्चों को ताकि सभी को पता चल जाए कि ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो गई है, कोई सूचना के अभाव में क्लास लेने से ना रह जाए। अब अपन देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, अपन अक्षांश रेखाओं की बात नहीं करते हैं। तो फिर मैं आपको एक ग्लोब का डायग्राम जो है वो बनाता हूं, जैसे उसके अंदर अक्षांश रेखाओं के अंदर 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं थी, वैसे ही उत्तरी ध्रुव है, ये आपका कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है जो अपन कल पढ़ चुके हैं, ये कौन सा आपका दक्षिण ध्रुव है। तो एक रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बीचू बीच खींची जाती है, क्योंकि उसको अपन ने 0 डिग्री अक्षांश रेखा नाम दिया था, तो इसको अपन नाम देंगे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। उसको अपन ने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश, तो ये अपन जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो रेखा खींची गई है, इस काल्पनिक रेखा को अपन नाम देंगे 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर जो है वो कौन से देश से गुजरती है, तो देश का नाम पूछे तो देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड के कौन सी जगह से गुजरती है, तो ग्रीनविच वेधशाला जो है वहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो उसके बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कहां से गुजरती है, इंग्लैंड में एक ग्रीनविच जगह है, लंदन के पास में ही ग्रीनविच जगह है जहां वेधशाला भी स्थित है, तो उसके बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको अपन 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच जगह से गुजरती है, तो 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा भी है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और एक नाम और है इसका जिसको अपन बोलते हैं प्रधान यामोतर, मतलब ये आपका पूरा का पूरा यामोतर है, इसमें प्रधान यामोतर रेखा कौन सी है, तो ये आपके बीच वाली प्रधान यामोतर, यामोतर रेखा भी इसको बोलते हैं, प्रधान यामोतर रेखा भी इसको अपन बोलते हैं, जो धरती को इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भाग इस 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड में होता है, दाहिनी ओर होता है, जिसको अपन बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, तथा एक भाग इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम दिशा में होता है, जिसको बोलते हैं पश्चिम गोलार्ध। अर्थात 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है ये पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, एक भाग 0 डिग्री देशांतर के दाहिनी ओर होता है, यह आधा बचा हुआ भाग इसको अपन बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री रेखा के इस बाईं ओर, इस लेफ्ट साइड की ओर जो गोलार्ध होता है इसको अपन बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अपन 0 डिग्री अक्षांश को 0 से 90 तक लेके गए थे, ऐसे 1 डिग्री इसको देशांतर को भी आपको आगे की तरफ पढ़ना है,
तो आपको एक रेखा खींच दी, फिर इस गोलार्ध में भी खींचनी है आपको, इस गोलार्ध में भी खींचनी है, फिर आपको यहाँ भी यूनिट एक डिग्री रखनी है, एक डिग्री रख के आपने खींच दी, दो डिग्री रख के आपने खींच दी, तीन डिग्री रख के आपने खींच दी, तो यहाँ पर भी जो यूनिट है वो जो इकाई जो है वो एक डिग्री आती है। अर्थात जीरो में आपने एक जोड़ा, एक डिग्री हो गई, एक में एक जोड़ा, दो डिग्री खींच दी, फिर उसमें एक जोड़ा, तीन डिग्री खींच दी, फिर उसमें एक जोड़ा, चार डिग्री खींच दी। ऐसे लगातार आप जो है ये पूरी गोलार्ध का जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है यहां पर आपको 180 डिग्री तक आप खींचते चले जाओगे, ठीक है। ऐसे ही पश्चिमी गोलार्ध में आपको वही एक डिग्री, दो डिग्री ऐसे खींचते खींचते आप एकदम पश्चिम भाग में आ जाओगे, तो 180 डिग्री आपकी जो है पश्चिम भाग के अंदर 180 डिग्री देशांतर तक आप पहुंचोगे। तो अब आपको तीन लाइन साफ साफ दिखाई देने लग गई है, एक लाइन जो है बीचू बीच है जिसको जीरो डिग्री देशांतर बोलते हैं, या ग्रीनविच वेधशाला के बीचों बीच या ग्रीन वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, और ये मुख्य रेखा है, इस यामोत्तर की मुख्य रेखा है, तो इसको अपन प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। फिर अपन ने इसको दो गोलार्धों में बांट दिया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध में भी गए तो 180 डिग्री पूर्वी भाग तक सारी देशांतर रेखाएं आ गई, और पश्चिमी भाग में भी 180 डिग्री तक आपकी पूरी देशांतर रेखाएं आ गई। और आप संख्या की बात करो, पूर्व की 180 और पश्चिम की 180, तो टोटल 360 जो है आपकी देशांतर रेखाएं हैं, 360 डिग्री या 360 टोटल देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो आगे मैं इन तीनों रेखाओं को खींच के आपको थोड़ा आगे की तरफ और बताता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ये अगर इसमें यहां तक जो मैं समझा है इसमें कोई भी दिक्कत है आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हो, अगर दिक्कत नहीं है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, नो दिक्कत तो आगे की तरफ अपन इसमें बढ़ते हैं। तो आप देखिए जब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इन तीनों रेखाओं को लेकर अपन थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं देशांतर के बारे में कि देशांतर क्या होता है। तो कई बार बहुत इजी अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होता है तो वो आपको पूछ लेता है कि जीरो डिग्री देशांतर के दूसरे कौन कौन से नाम है, तो आराम से आप बता सकते हो, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या आप बता सकते हो, और जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके अन्य नाम आपको मैंने सारे लिखवा दिए। कहां से गुजरती है, इंग्लैंड देश से गुजरती है, और लंदन के पास में एक जगह है ग्रीनविच, जहां वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला से होकर जीरो डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब मैं उन्हीं तीनों रेखाओं को वापस एक बार बनाता हूं, तो ये बीचों बीच वाली रेखा जो है वो आपकी जीरो डिग्री देशांतर है, और यहां तक अपन गए थे तो 180 डिग्री तक पूर्वी भाग के अंदर अपन ने पूर्वी जो देशांतर बोलते हैं इसको पूर्वी भाग में है, तो इसको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इतना ही, आप 180 इधर आ जाइए तो इसको अपन बोलते हैं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये तीन रेखाएं जो हैं अभी मैंने आपको ग्लोब बना के उसके अंदर समझाया, इसका जो नाम था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए ये जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, ये 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में, वाशिंगटन अमेरिका के अंदर एक सभा हुई, और सभा होने के बाद में इन दोनों रेखाओं को एक अन्य नाम दिया गया जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ईस्वी में वाशिंगटन में एक सभा हुई, उस सभा के दौरान जो भी वैज्ञानिक वगैरह बैठे उन्होंने 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया, इसका नामांकन कर दिया। अगर अपन बात करें
तो सबसे पूर्वोत्तर जो देश है वो आपका जापान पड़ता है। सबसे पूर्वोत्तर देश कौन सा पड़ता है? जापान पड़ता है। सबसे पूर्वोत्तर देश कौन सा पड़ता है? जापान पड़ता है। तो माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य उदय पूर्वोत्तर भाग में होता है, तो कहां पर होगा? जापान में होता है। ठीक है, एकदम पूर्वोत्तर भाग जो है वो जापान है। एकदम जो काल्पनिक चीजें हैं सारी की सारी, उन्होंने पूर्वोत्तर भाग को जापान को रखा और इस रेखा को नाम दे दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इस रेखा को भी नाम दे दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये जो नाम था इसको जीरो डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा या जिसको प्रधान मैदान रेखा बोलते हैं वही नाम इसका रहने दिया। अब देखिए किसी भी देश का मानक समय, किसी भी देश का मानक समय या स्टैंडर्ड समय जो है हमेशा देशांतर रेखाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आप कभी भी देख लो कि समय की जब भी गणना करनी हो, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद में, जहां पर भी समय की गणना करनी हो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हो, और जहां पर आपको दो स्थानों की दूरी की तुलना करनी हो वहां पर आप अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हो। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं का जो महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करना या दो स्थानों के बीच के समय की अगर तुलना करनी हो तो काम में ली जाने वाली रेखाएं जो है वो देशांतर रेखाएं होती है। मैं लास्ट में आपको महत्व के अंदर लिखाऊंगा तो इसका महत्व भी क्या है समय निर्धारण में, और दूरी निर्धारण में आप अक्षांश रेखाओं का उपयोग करोगे, जो आपने कल देख भी लिया, आपने दूरी निकाल भी ली है। अब देखिए अपन बात करेंगे भारत की, क्योंकि अपने को तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो भारत का भी मानक समय निर्धारण करने के लिए जो है रेखा है उसको अपन बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री इधर है तो इधर पूर्वी देशांतर अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। ये किसकी है? भारत का। ये जो मैंने रेखा खींची है, ये जो रेखा मैंने खींची है 0 से 180 के मध्य कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर खींची गई है, और ये जो है भारत की जो मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा है। ठीक है, भारत में जो समय का निर्धारण करने वाली कौन सी देशांतर रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे बोलते हैं भारत मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा। तो एक रेखा और जुड़ गई, कौन सी जुड़ गई? 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये यहीं पर स्थापित होगी तो उसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर ही भारत का मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अलग अलग स्थानों का, भारत के अंदर अलग अलग स्थानों का समय निर्धारण जो है वो देशांतर और वहां की सूर्य की स्थिति के आधार पर आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मानक समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है मानक समय का निर्धारण करती है। अब देखिए समय के संदर्भ में, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, 0 डिग्री देशांतर से जैसे जैसे आप पूर्व की ओर या पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं समय हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। अर्थात यहां का समय कम मिलेगा, इस जगह का समय ज्यादा मिलेगा, इसका और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, अर्थात प्रधान मैदान रेखा या 0 डिग्री देशांतर से दाईं ओर जाने पर, कौन सी ओर जाने पर? यह कौन सी ओर है? दाईं ओर जाने पर या पूर्वी भाग में जाने पर, पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, समय में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूं कि भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। बढ़ा हुआ बोल रहा हूं कि जो ग्रीनविच रेखा पर जो भी समय होगा
इस भारत की जो मानक रेखा है उसका समय इससे 5.5 घंटे आगे होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भारत की जो मानक रेखा है या भारत का जो समय जो है वो आप इधर जाओगे तो ये यहां पर जो है 5.5 घंटा आपको आवर्स जो है प्लस में करना पड़ेगा। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे होता है। जैसे मान लो यहां पर अगर सुबह के 7 बज रहे हैं तो इसके अंदर आपको पूछ ले कि भारत के अंदर क्या समय होगा, भारत के अंदर क्या समय होगा, तो 7 बजे के अंदर आपको 5.5 घंटे आपको जोड़ने हैं तो यहां बच जाएगा 12:30 PM का समय हो जाएगा, 30 PM का 12:30 PM का समय हो जाएगा। अर्थात भारत का समय या भारत की जो मानक, जो भारत की जो मानक समय रेखा है उसका समय ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे होता है। और इधर की तरफ और बढ़ते आप जाओगे, इधर की तरफ और बढ़ते जाओगे तो आपका जो मानक समय है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से जैसे दाई ओर बढ़ाओगे समय आपको वृद्धि करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। सबसे कम समय आपको इधर जो है वो 0 डिग्री देशांतर का मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा अगर आप ग्रीनविच रेखा से बाईं ओर जा रहे हो, बाईं ओर जा रहे हो अर्थात आप पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ रहे हो, आप पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ रहे हो तो समय घटता चला जाता है, समय घटता चला जाता है। क्योंकि अपने को राजस्थान की ज्योग्राफी है तो इन और देशों का अपने को तुलना नहीं करनी, अपने को भारत को लेते हुए चलना है और भारत के अंदर भी अपने को राजस्थान को। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है कि देशांतर रेखाएं जो है वो समय निर्धारण में काम में आती हैं। और 0 डिग्री देशांतर से दाई ओर बढ़ने पर अर्थात पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ने पर समय में वृद्धि होती है, जबकि 0 डिग्री देशांतर से पश्चिमी गोलार्ध पर या बाईं ओर बढ़ने पर समय लगातार घटता चला जाता है। तो इन तीन रेखाओं से, इन तीन रेखाओं से आप अनुमान लगा सकते हो कि किस स्थान का समय जो है वो ज्यादा होगा, किस स्थान का समय जो है वो कम होगा। आप यहां से देखिए, यहां से जितना पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते जाओगे समय बढ़ता जाएगा और इधर की तरफ बढ़ते जाओगे तो समय घटता चला जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं कि एक स्थान जो है ए स्थान है और एक स्थान जो है बी स्थान है। मैं आपको जस्ट इस ऐसे आपको कमेंट के तौर पर पूछ रहा हूं कि ए और बी स्थान में समय ज्यादा किसका होगा, ए स्थान और बी स्थान के अंदर समय ज्यादा किसका होगा, आप बता सकते हो तो बताएं किसका समय ज्यादा होगा। तो पार्वती ने आंसर सही दिया है, बी स्थान का ज्यादा होगा। बी स्थान का ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये स्थान 0 डिग्री देशांतर से ज्यादा दूर स्थित है। जितना ज्यादा दूर स्थित होगा समय उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और ये इसके नजदीक है तो इसमें समय में वृद्धि कम होगी, तो इसमें समय में वृद्धि ज्यादा होगी। बी और ए में बी का जो समय है वो ए की तुलना में अधिक होगा। तो ये आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नो दिक्कत, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं ये मिटा देता हूं ताकि आपको ये वापस यही देखा है खींच के कुछ आगे की तरफ अपने को और बढ़ना है। एक बार मैं रेखाएं वापिस खींचता हूं, एक कुछ नया फंडा आपको और बताना है। ये 0 डिग्री आपकी देशांतर है, ये आपकी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो अभी आपको मैंने बताया, और ये आपकी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है।
ठीक है, अब देखते जाइए। इसको अपन ने नाम दिया है प्रधान मध्यान रेखा, या जिसको मध्यान रेखा प्रधान रेखा भी बोल सकते हो, प्रधान मध्यान रेखा भी इसका दूसरा नाम होता है, प्रधान मध्यान रेखा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं, वो आपको देखना है। अगर इन रेखाओं को नहीं देखकर, ये रेखाएं तो आपको सुचारू रूप से समझाने के लिए खींची गई हैं, अगर आप ग्लोब का गोल चेहरा, गोलाकार चेहरा अपने दिमाग के अंदर लेके आओगे, तो 0 डिग्री देशांतर जो है, इसको मैं अगर मैं गोलाकार बनाऊं तो आपका गोल जो है इस तरह से बनेगा, पृथ्वी जो है इस तरह से गोलाकार होगी। थोड़ी सही नहीं बनी, आप एडजस्ट कर लेना। ये 180 डिग्री इसके पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और ये 180 डिग्री जो है इसके पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। देखिए, इसके अंदर 0 डिग्री देशांतर, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसके अंदर जब मध्यान्ह का समय होता है, दोपहर का समय होता है, तो इसके अंदर मध्य रात्रि का समय रहता है और इधर भी मध्य रात्रि होती है। मध्य दोनों तरफ जो है आपको अर्धरात्रि या मध्य रात्रि जिसको बोलते हैं वो होती है, मध्य रात्रि या अर्ध रात्रि, इसको भी मध्य रात्रि या अर्ध रात्रि बोलते हैं। अर्थात जब इसमें मध्यान्ह का समय होता है तो उसी समय इसमें अगर मध्यान्ह का समय है तो उसी समय 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मध्य रात्रि या अर्ध रात्रि का समय होता है। इसलिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अर्ध रात्रि रेखा या मध्य रात्रि रेखा भी कहा जाता है। आप मेरी बात समझिए, इसको अपन ने प्रधान मध्यान रेखा क्यों कहा? अजय भाई रुक एक मिनट, अजय आप हटे एक बार, एक मिनट, आप लोग स्क्रीन पे ना आए। एक बार दोबारा समझिए, प्रधान मध्यान्ह का मतलब क्या होता है? मध्यान्ह का मतलब दोपहर का समय। जिस समय इसमें मध्यान्ह का समय रहता है उसी समय 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अर्धरात्रि का समय होता है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर भी अर्धरात्रि का समय होता है। इसलिए इन दोनों रेखाओं को अर्धरात्रि देशांतर भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले तो चाहे ये रेखा हो, इसको भी अपन क्या बोलेंगे? अर्धरात्रि देशांतर। और इस रेखा को भी अपन क्या बोलेंगे? अर्ध रात्रि देशांतर। समय की तुलना कर रहा हूं मैं ग्रीनविच रेखा के आधार पर। कैसे कर रहा हूं कि ग्रीनविच रेखा के अंदर जब मध्यान्ह का समय है, दोपहर का समय है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, दिन का कौन सा टाइम होगा? तो जब इसमें एकदम दोपहर का समय होता है तो इसके अंदर अर्धरात्रि का समय होता है और इधर भी अर्धरात्रि का समय होता है। इसलिए इन दोनों रेखाओं को अर्थात 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अर्धरात्रि देशांतर भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सी रेखा अर्धरात्रि देशांतर रेखा कहलाती है? तो उसमें ऑप्शन ने 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हो और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो, तो दोनों पर आपको टिक करना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये चीज? हाँ, इनके दोनों के बीच का भी बताता हूं 90 डिग्री पे। पहले ये बताओ 180 वाली समझ में आई कि नहीं आई? 90 डिग्री वाली दो रेखाएं और बताता हूं, समझ में आ गई? ठीक, अब दो रेखाएं और खींचता हूं इसके और इसके बीचों बीच, यह होती है 90 डिग्री देशांतर
पूर्वी देशांतर, और इधर भी आपकी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर जो भारत के लगभग नजदीक है, क्योंकि भारत कहां पर है, 82 डिग्री पे है। तो जब इसमें दोपहर का समय था, इनमें रात्रि का समय था, इसमें भी रात्रि अर्धरात्रि का समय था, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसमें कैसा दिन का कौन सा समय होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको सूर्यास्त मिलेगा और यहां पर आपको सूर्योदय मिलेगा, सूर्योदय, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये टाइम का है, फिर के आधार पर दिन का कौन सा टाइम चल रहा है, सुबह का चल रहा है, दोपहर का चल रहा है, रात्रि का चल रहा है, तो कुछ रेखाओं का सहारा लेते हुए उसी समय की तुलना के आधार पर आपको मैं देशांतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 डिग्री देशांतर पर जब मध्यान्ह का समय होता है तब 90 डिग्री पूर्वी भाग, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्य अस्त होता है और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्य रात्रि या अर्धरात्रि होती है, इसलिए इस रेखा को अर्धरात्रि देशांतर कहा जाता है। सेम टू सेम कंडीशन इधर है कि जब इसमें मध्यान्ह का समय होता है तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सूर्य उदय हो रहा होता है, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अर्धरात्रि का समय होता है, इसलिए इस रेखा को भी अर्धरात्रि देशांतर कहा जाता है। तो ये रेखाएं जो है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और पांच रेखाओं की जो मैं दिन की तुलना करी है, दिन होगा, रात्रि होगी, अर्धरात्रि होगी, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, ये चीज समझ में आ गई है तो मेरे को आप बोलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो रिपीट बोलिए, मैं दोबारा समझाता हूं, कमेंट करें आप। आज वेरी गुड सब। तो अब थोड़ा सा अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की जो किरणें आती हैं वो देशांतर को कैसे पार करते हुए कितना कितना समय लेती हैं, उसी समय के आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का अपने को जवाब भी देना पड़ता है। तो अपन आप देखिए, समझते जाइए, टोटल जो देशांतर है, टोटल देशांतर जो है वो आपके सामने कितनी आ गई, 360 डिग्री देशांतर आ गए, टोटल 360 डिग्री हो गई। ठीक, एक चीज याद रखिए, सूर्य को 1 डिग्री देशांतर, क्योंकि देशांतर की भी इकाई क्या है, 1 डिग्री है, अक्षांश की भी जो आपकी इकाई है वो क्या है, 1 डिग्री है, तो सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितनी मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट को अपन क्या बोलते हैं, 1 घंटा। अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर को पार कर जाती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि 90 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, तो आप 90 डिग्री के लिए वही 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 60 से डिवाइड कीजिए, आपका जो समय है कितना समय आ रहा है, इसमें शून्य से शून्य कट के इसमें 2 का भाज दीजिए, 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो आपके 3 × 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 180 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जो सोल्व करोगे 180 × 4/60 तो आपके 12 वर्ष आ जाएंगे। और क्वेश्चन आ जाए पूरी 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो सोल्व करने का वही तरीका है, 4 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दो और 24 आवर्स आता है। अर्थात सूर्य को
पूरी 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है, और 24 घंटे में ही धरती जो है अपनी अक्ष में एक घूर्णन पूर्ण करती है। 24 घंटे का जो डाटा आया है, इस 24 घंटे का डाटे का मतलब क्या हुआ, इस डाटा के दो क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात पृथ्वी को अपनी स्वयं की अक्ष में घूमने में, एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटा लगता है, तथा सूर्य को पृथ्वी की सभी 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगता है, तो वो भी कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, अगर नहीं है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नो दिक्कत। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे करवा लेता हूं, आप जल्दी से उसका जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन आप करिए, फिर समय का एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है कि प्रातः 7 बजे लंदन से कोई समाचार प्रसारित होते हैं, समाचार प्रसारित होते हैं, वह समाचार जयपुर, जिसकी देशांतर दी हुई है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, समाचार जयपुर में कितनी बजे सुना जाएगा, बजे सुना जाएगा, इसका आप जवाब दें। ठीक है, आप आंसर दें, आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को करें। लंदन से 7 बजे कोई बुलेटिन जो है प्रसारित हो रहा है, जो लंदन का मतलब है ग्रीनविच रेखा, लंदन या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एकदम ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा, अगर यहां पर कोई आपको देशांतर नहीं दिया गया है तो आप ये समझ लो कि 7 बजे कोई समाचार जो है वो ग्रीनविच रेखा से प्रसारित हुआ, तो जयपुर में वो समाचार जो है वो कितनी बजे सुना जाएगा, और जयपुर की जो मैंने देशांतरी स्थिति आपके सामने लिख दी, आप जवाब दें जल्दी से जल्दी। हाँ जवाब दें, क्वेश्चन का जवाब दें। अरे मैं करूं या आ रहा है जवाब, जवाब आएगा या मैं कर दूं सॉल्व, आंसर दो गलत है, किंतु तो चलिए मैं करता हूं उस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देशांतरों के आधार पर आपको समय का निर्धारण करना होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, ग्रीनविच रेखा और जो आपको लोकेशन दी गई है उन दोनों के देशांतरों में अंतर कितना है, वो अंतर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अंतर आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो ग्रीनविच रेखा पर देशांतरों का अंतर मैं निकालता हूं, देशांतरों का अंतर। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर पर है, जबकि जयपुर जो है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। दोनों का आपने डिफरेंस किया तो आपके सामने जो अंतर आया वो 75 डिग्री आया, 75 डिग्री आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री को सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 75 × 4, तो आंसर देखिए 20 और 30, मतलब 30 मिनट जो है सूर्य की किरणें, 300 मिनट जो है
सूर्य की किरणें जो हैं वो जो है 300 मिनट जो सूर्य की किरणें जो हैं वो जल्दी पहुंचेंगी, क्योंकि पूर्व देशांतर के अंदर है, तो सूर्य की किरणों को कितना समय तय करने में लगेगा, 300 मिनट। अब 300 मिनट का जो है अपन घंटा निकाल लेते हैं तो 60 से डिवाइड किया तो 5 घंटा आ गया। अब अपने पास व्यवस्था यह रहती है कि जो 5 घंटे का डिफरेंस आया है, किस किस के बीच में, ग्रीनविच रेखा और जयपुर के बीच में 5 घंटे का जो डिफरेंस आया है उसको जोड़ा जाए या घटाया जाए, यह अपने लिए एक समस्या वाली बात होती है। तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किधर जोड़ना है किधर घटाना है। तो वो 3 रेखाएं मैं फिर खींचता हूं आपके सामने, ये 0 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी और ये 180 डिग्री जो पश्चिमी है। इधर आप जाओगे तो आपकी 75 डिग्री मान लो यहां पर है, 75 डिग्री जो है वो यहां पर है। इधर जाओगे तो समय बढ़ता जाएगा, तो आप मान लो कि यहां पर 7 बजे है और 5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके अंदर आप 5 घंटा जोड़ दोगे, यहां पर आपके 12 बजे आ जाएंगे, किसके, दोपहर के 12 बजे आ जाएंगे दोपहर के। अभी भी नहीं समझ में आया तो मेरे को एक बार बताएं, आप, मैं दोबारा बता दूंगा। बहुत इजी सी चीज है, आपको देशांतरों का डिफरेंस निकालना है, फिर 1 डिग्री देशांतर को तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो पूरे देशांतर में कितना समय लगेगा वो समय आप निकाल लीजिए, आवर्स के अंदर निकाल लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 आवर्स आपके आ गए। अब क्वेश्चन ये होता है कि 5 आवर्स को जोड़ें या घटाएं, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कोई चीज आप ग्रीनविच रेखा से इधर की तरफ बढ़ना है तो समय को जोड़ना है, और अगर पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ना है तो आपको घटाना है। अब चूंकि ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अर्थात आप जो है दाई ओर बढ़ रहे हो, तो आपके पास जो समय आया है वो इस ग्रीनविच रेखा के समय में जोड़ दो। तो ग्रीनविच रेखा का जो समय है वो सुबह 7 बजे का है, उसमें 5 घंटे अपन ने जोड़ दिया तो दोपहर के जो 12 बजे आंसर आ गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत है तो बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन या और कराऊं, या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो देशांतर का डिफरेंस करते हुए। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं इसके अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार अक्षांशीय स्थिति भी दे देता है। कौन सी स्थिति दे देता है, अक्षांशीय स्थिति भी दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, समय की गणना में अक्षांश रेखाओं का कोई योगदान नहीं होता है, तो उन अक्षांशीय स्थिति की तरफ आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन के अंदर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देशांतरों का डिफरेंस करना है, और देशांतरों का डिफरेंस करते हुए आपको समय निकालना है, उस समय को जोड़ना है या घटाना है। ये चीज आप इन मैं डायग्राम आपको बनवाया है, इस डायग्राम के आधार पर आपको करना है। अगर वो पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ रहा है, पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ रहा है, तो समय को आप जोड़ दीजिए, और पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ रहा है तो ग्रीनविच के समय में से आपको वो समय घटाना है। प्लस माइनस का डाउट है, प्लस माइनस का डाउट जो है मैं अभी आपका दूर कर देता हूं। दोबारा मैं आप एक बार प्लस और माइनस का जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं। यही 3 रेखाओं से आपको, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये आपकी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है, ठीक है। आप जब कभी भी ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर या दाईं ओर जाओगे तो हमेशा प्लस का निशान ही यूज करना है, अर्थात इसके समय में जितना समय आए उसको जोड़ना है। और अगर आप ग्रीनविच रेखा से बाईं ओर जाते हो तो माइनस करना है, जो समय यहां पर है उसमें से वो समय आपको माइनस करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देके ही समझा देता हूं। ये मान लो कि सुबह के सात बजे कब के, प्रातः 7 बजे, ठीक है। अब मैं आपको स्थान देते जाता हूं, और उस स्थानों की
कितना समय जो है वो ग्रीनविच रेखा से वो आगे वो भी मैं आपको बताते जाता हूं, आपको बताना है प्लस करना है माइनस करना है। आप पूरा सुनिए, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये आपका सी स्थान है, ये आपका डी स्थान है और ये आपका ई स्थान है। ठीक है, ये जो है ग्रीनविच रेखा से 2 घंटा आगे है, ये 4 घंटा आगे है और ये 6 घंटा आगे है। ठीक है, सेम टू सेम यहां पर कर लेते हैं, ये 2 घंटा है यहां से दूरी, ये इसकी 4 घंटा है। अब मेरे को बताइए ए का समय बता दीजिए, ए का समय बताइए, यहां 7 बजे है तो ए पर कितना बज गया पिंटो, यहां पर 7 बजे है तो ए पर कितना बज गया 9 बज गया। बिल्कुल सही आंसर है, आपने क्या किया प्लस के निशान का उपयोग किया क्योंकि आप इधर जा रहे हो, तो ये 2 घंटा आगे था तो आपने 7 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 9 आ गया। पिंटू बी स्थान का समय, पिंटू बी स्थान का समय बिल्कुल 11 बज गया, कितना बज गया 11 बज गया क्योंकि ये इससे 4 है तो इसमें 4 जोड़ दो और इसका इसके अंदर आप 6 जोड़ दो तो कितना बज जाएगा आप उसके अंदर 1 बजे का समय। ठीक है, 1 बजे का समय, वो भी दोपहर का, कौन सा समय दोपहर का। तो आप क्या करते गए जोड़ते गए जोड़ते गए क्योंकि ये सभी स्थान जो है इस ग्रीनविच रेखा से दाईं ओर है अर्थात पूर्व की ओर है। अब कंडीशन पे आ जाइए, डी स्थान का समय बताइए, डी स्थान का समय बताइए, तो अब आप क्या करोगे 5 में से 2 घटाओगे तो सुबह के 5 बजे आपने घटाया है तो ये प्रातः के 5 बजे है और ये इस स्थान का तो प्रातः के 3 बजे। अब बताइए प्लस और माइनस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, प्लस और माइनस करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, नहीं है तो आगे की तरफ चलते। अब अपन ने लास्ट पॉइंट के अंदर लिखना है कि देशांतर रेखाओं का कोई बार महत्व पूछ लेता है तो उसका महत्व आपके सामने स्पष्ट है, इसका एक ही महत्व है, 2 स्थानों के बीच के समय की गणना करनी हो तो समय की गणना करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो देशांतर रेखाओं का महत्व है, तो महत्व क्या है, 2 स्थानों के बीच में समय के अंतर का निर्धारण करना। वहां पर आपने देशांतर रेखाओं का उपयोग करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया। एक पॉइंट और छूट गया इसके अंदर, पॉइंट क्या छूटा है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे अपन ने इसका, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो छूट गया टाइप का, आप खुद को जवाब देना है। ठीक है, ये देशांतर रेखाओं की मैं ऐसे बात करता हूं, ये देशांतर रेखाएं मैंने ऐसे खींच डाली। ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये वाली इधर है। अगर देशांतर रेखाओं की लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है, पहले लंबाई बताइए, देशांतर रेखाओं की लंबाई बताइए, देशांतर रेखाओं की लंबाई बताइए। कितनी है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई मैंने आपको बताई थी 111 किलोमीटर, तो ये भी उसके आसपास ही है, 111 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। और ये चीज मैं आपको कल बता चुका हूं, अगर कल आपको ध्यान में हो तो विषुवत रेखा के पास में अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, जबकि ध्रुवों की ओर आप बढ़ते जाओगे, ध्रुवों की आप ओर बढ़ते जाओगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। लेकिन अब अगर वो उस कंसेप्ट का उपयोग नहीं करता है तो आपको 111 किलोमीटर देना है। अब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है तो इसके ध्रुव यहां पर होंगे, अर्थात पूर्वी देशांतर जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर
और ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो बताइए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हो चाहे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो, इस रेखा की लंबाई ज्यादा होगी या जो विषुवत रेखा के पास में जो रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर है उसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि अक्षांश रेखाओं के उल्टा आपको ये क्वेश्चन करना है। अक्षांश रेखाओं में ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई अधिक होती है जबकि देशांतर के अंदर ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखनी है, ये आपकी भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखाएं हैं ये हमेशा 90 डिग्री कोण जिसको बोलते हैं समकोण अर्थात देशांतर रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाओं के समकोण पर या लंबवत स्थित होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, देशांतर हमेशा अक्षांश और रेखाओं के समकोण या जिसको बोलते हैं लंबवत स्थित होती है। ठीक है, आप देख लो कोई सी भी रेखा उठा के देख लो समकोण पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समकोण पर स्थित होती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं। इसी के साथ देशांतर की जो सारी बातें थी मैंने आपको बता दी, इसमें कोई भी दिक्कत है आप मेरे को बता सकते हो। फिर अपन जो है राजस्थान की स्थिति को लेकर चलते हैं, राजस्थान पे अपने को फोकस करना है और राजस्थान को अपने को जानना है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन देखते हैं, राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, महाद्वीप में क्या स्थिति है और भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है उसको अपन देखते हैं और उसके आधार पर फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की स्थिति जानते हैं अभी अपन, क्योंकि अपन ने अक्षांशी और देशांतर रेखाओं का जितना ज्ञान था वो अपन ले चुके हैं। ठीक है, अब राजस्थान की स्थिति अपन जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की स्थिति, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं विश्व के रेफरेंस में, विश्व या ग्लोब जिसको बोलते हैं, ग्लोब के रेफरेंस में राजस्थान कहां स्थित होता है वो अपने को देखना है। तो मैं ग्लोब का डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। ये आपको मैंने उत्तर बताया, ये आपको मैंने दक्षिण बताया, ये भाग मैंने पूरा पढ़ाया पूरा, ये देशांतरीय है और ये अधर वाला पश्चिमी। ठीक है, और ये आपकी जो रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये रेखा जो है वो आपकी 0 डिग्री देशांतर है। जबकि राजस्थान जो इस ग्लोबल में यहां पर स्थित होता है, तो छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूं और उस डायग्राम के आधार पर आप बता दीजिए राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां है। अब आपके सामने सब कुछ मैंने रख दिया है, आपको सिर्फ इसको देख के ही बोलना है। यूपी, यूपी ठीक है, उत्तर पूर्व अर्थात ये उत्तर और पूर्व के मध्य स्थित है अर्थात उत्तरी अक्षांश, उत्तरी क्या है अक्षांश व पूर्वी देशांतर के मध्य विश्व में राजस्थान की स्थिति है। तो आपको कभी भी कोई पूछ ले पूरा नाम लिखना जरूरी है, ये आपका दक्षिणी अक्षांश है, ये आपका ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश है, तो ये उत्तरी अक्षांश और इधर आप बात करोगे तो देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। तो विश्व के रेफरेंस में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य है, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए। अब मैं महाद्वीपीय स्थिति के अंदर चलता हूं, कोई भी दिक्कत है मेरे को बताइए, या आराम से क्वेश्चन कर सकते हो ना, नो दिक्कत। ठीक, अब देखो महाद्वीपीय स्थिति, महाद्वीप के आधार पर राजस्थान की स्थिति कैसी है वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि महाद्वीप के आधार पर राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो वो भी आप जान लीजिए। महाद्वीपीय द्वीप
द्वीपीय स्थिति, तो ये तो आपको सभी को पता है कि भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। अगर भारत एशिया महाद्वीप में है तो राजस्थान भी कौन से महाद्वीप में आ जाएगा, एशिया महाद्वीप में। तो मैं आपको राजस्थान की इसके अंदर स्थिति बताता हूं। ये जो है आपका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण भाग है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। इसके ऊपर मैं राजस्थान की हिंदुस्तान का डायग्राम बनाता हूं। मेरे से थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनेगा, आप एडजस्ट कर लेना। और यहां पर आपका राजस्थान है, ये जो मैंने गोला लगाया है, ये गोला जो लगाया है ये आपका राजस्थान है। यहां थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, भारत का थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा सा डायग्राम सही बना देता हूं मैं। चलो इंडिया का डायग्राम जैसा भी बना है आप सेट कर लो। यहां पर आपका राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति बताइए, महाद्वीपीय स्थिति किस किस के मध्य स्थित है बताइए। यहां पर राजस्थान है, इस रेखा के नीचे है और इस रेखा के इधर है, तो ये स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम, वेरी गुड आंसर किसने दिया, वेरी गुड। तो ये देखिए, अगर आप अक्षांश देखोगे तो कौन से अक्षांश में स्थित है, दक्षिण, ठीक है, और उधर आप देखोगे तो पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम स्थिति राजस्थान की महाद्वीपीय या एशिया के अंदर इसकी स्थिति है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आप कर सकते हो। आगे की तरफ चलते हैं। भारत के अंदर तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है। तो भारत का डायग्राम आप मेरे से अच्छा बना सकते हो। भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो भारत का कुछ इस तरह से डायग्राम है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर सही नहीं बना है, ठीक है। ये भारत का उत्तरी भाग, ये नीचे वाला दक्षिण, ये आपका पूर्वी और ये आपका पश्चिमी, और ये रेखाएं मैं खींच देता हूं, और यहां पर आपका राजस्थान, यहां पर ऐसे माना के राजस्थान को बना दो। तो डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन अपने को तो स्थिति जाननी है, तो स्थिति इस डायग्राम को देखते हुए आपको राजस्थान की स्थिति बतानी है। उत्तर पश्चिम आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर और पश्चिम के मध्य आपका राजस्थान है। तो उत्तर और पश्चिम जो है भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है। तो ये तीन स्थितियां हैं जो कई बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, कि ग्लोब के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, और महाद्वीप एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को आप बता सकते हो। तो क्लास को लंबी नहीं खींचेंगे, कल बच्चे बोले थे कि सर लंबी ज्यादा हो जाती है। बाकी बचा हुआ अपना अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है राजस्थान का, वो कल देखेंगे कि उत्तरी भाग में कितनी अक्षांशीय है, दक्षिण के अंदर कितना है, और पूर्व के अंदर राजस्थान का कितना है, पश्चिम के अंदर कितना है। तो जितना भी अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार राजस्थान का है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लास आपकी रेगुलर चलेगी और मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो आप और भी जितने आप विद्यार्थी हैं उनको सबको बताइए, निःशुल्क है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, किसी का भला हो जाए तो बढ़िया है। तो आज के लिए अपन ये क्लास इतनी रखेंगे, बाकी अपन कल मिलते हैं उसी टाइम। धन्यवाद, गुड नाइट।